चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। तो श्रद्धा कहती है कि विश्वास करो किसमें, तो ईश्वर में। श्रद्धा मजबूत है तो विश्वास होता है। तो उसको विश्वास हुआ और इस श्रद्धा के साथ उन्होंने साधना करी। तो साधना करने में कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो विश्वास में बहुत कुछ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवै न राम, राम कृपा बिनु पार्वती, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं है, इसीलिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती। तो विश्वास पूर्ण भक्ति उन्होंने किया। गुरु के वचन में विश्वास हो, कर्ता जो नित, अभ्यास भी और विश्वास भी। तो इसी विश्वास प्रेम के साथ उन्होंने साधना करी और कहते, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का मेरा अधिकार है, और फल, फल तो वो देते हैं, ऊपर वाले गुरु महाराज देते हैं। इन कर्म करते ने पहले चाहते कि हमको मिले, करते जाइए। अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम संहारा, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। अब आप बड़े आदमी को कॉल कीजिएगा, तो कॉल कीजिएगा तो तुरंत वो रिसीव करेगा, मतलब फोन उठा लेगा वो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो जितना बड़ा आदमी उतना बिजी व्यस्त होता है, उसका नेटवर्क उतना बिजी होता है। अभी तो लगेगा नहीं, लगेगा अभी तो रिसीव नहीं होगा, और रिसीव होगा तो जरूरी है कि वही फ़ोन उठाए। उसके चेला का चेला, चेला का चेला कौन उठाए, कितना पीए डीए रहता है। पर कबीर साहब कहते हैं, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कहते तुम डायल करते रहो नंबर, और एक न एक दिन सुनवाई होगी। तो जिस दिन वो रीझ बूझ जाएंगे तो उसकी नज़र आएगी, फेर देंगे तो पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। करोड़ों जन्मों की साधना एक पल में पूरी हो जाती है। तन थिर मन थिर सुरत निरत दृढ़ थिर होए, कह कबीर ते पलक को कल्प न पावे कोय। एक कल्प का जो साधना है एक पल में हो जाए, यह भी होता है। देखिए मोबाइल से, मोबाइल का युग है, मोबाइल से हम जब फोन करते हैं तो पहला शर्त क्या है कि मोबाइल में बैटरी होना चाहिए चार्ज, आ प्लस उसमें पैसा होना चाहिए रिचार्ज, चार्ज या रिचार्ज दोनों होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल में टावर होना चाहिए, टावर नहीं होगा तो थोड़े होगा। कितनों हल्ला कीजिए, एक एक आदमी मोबाइल लेके खूब हल्ला करता है ताकि वहाँ जोर से आवाज़ आए। वहाँ जोर से कौन चीज़ आएगा, वहाँ का जो मोबाइल में स्पीकर है उसमें जो वॉल्यूम है उतनी आवाज़। कितना आदमी यहाँ लगता है कि सामने हम गप कर रहा, मोबाइल बोलेगा खूब दे हाथ हिलाता, वो थोड़ी देख रहा है आपको। तो मोबाइल में टावर होना चाहिए, टावर रेंज में होना चाहिए, और इसके बाद जो नंबर है वो नंबर सही होना चाहिए। नंबर एक भी अक्षर गलत हो गया तो वहाँ नहीं जाएगा। लोग कहते अपने मन से गुरु बना करके एकदम गुरु घंटाल बन जाते, से थोड़ा होता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मेव, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तो गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजौ बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर को कैसे पार हो सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज भगवान के भक्त हैं, सगुण रूप में भगवान नारायण के अवतार जो भगवान राम है वो उसके आराध्य देव हैं। पर स्वयं कहते हैं, जो बिरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा जी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, भगवान शिव तो है ही ज्ञान, सारा ज्ञान वहीं से निकला। कहते ऐसी ज्ञानी जो अपने आप को समझ लिया हो वो भी बिना गुरु का कल्याण नहीं कर सकता, तो हम लोग कौन से खेत की मूली हैं। तो गुरु से जो नंबर मिलता है वो प्रॉपर नंबर है डायल करने के लिए। अपने मन से अटकरिए पंचे 150 लगा दिए तो वो नंबर वहाँ नहीं पहुँचेगा। इसीलिए गुरु नाम है ज्ञान का, वही मंत्र बीज मंत्र देते हैं, और यही मंत्र जीव को कल्याण के मार्ग को खोलता है। एक एक गाछ का देखिए, पीपल है, पीपल के गाछ के नीचे पीपल का गाछ होता है, और कहीं दीवार पर पीपल का गाछ हो जाएगा। तो पीपल का वृक्ष है, बीज है, तो गाछ तो होना चाहिए, पर नहीं होता है। वो पीपल एक प्रोसेस से गुजरता है, एक प्रक्रिया से, तब जाके गाछ होता है।
इसी तरह से कदम के गाछ के नीचे कदम का गाछ नहीं होगा, वो भी एक प्रोसेस में जाता है, गुजरता है, तब जाके उससे गाछ होता है। इसी तरह मंत्र तो है, अब पीपल का बीज है तो पीपल लगा दीजिए हो जाएगा, नहीं होगा। कदम के गाछ का बीज लगा दीजिए, नहीं होगा। इसी तरह वही मंत्र है, पर वो मंत्र जब तक गुरु के परंपरा से नहीं मिलेगा तो उसमें सिद्धि नहीं हो सकती है। लाभ जरूर होगा, पर सिद्धि के लिए जपात सिद्धि, जप से जो सिद्धियां मिलती है वो मुश्किल है। इसलिए गुरु से दिया हुआ मंत्र जो लेते हैं उसी को गुरुमुख कहते हैं, गुरुमुख होना। एक बार एक कबीरपंथी आए थे हमारे घर, हमारे पास उधर नेपाल तरफ, बड़ा परेशान था। कहते बाबा हम तो गुरुमुख हो गए हैं। बोले कब हुए? कहते मत पूछिए, हम तो बहुत पहले से गुरुमुख है, इतना जितना सत्संग है सबसे भी पहले हम ही हुए थे। कब हुए? कहते बाबा जब हमारा जन्म हुआ था ना, उसी समय साहब जी आके गले में कंठी बांध दिया था, हम हो गए गुरुमुख। और कुछ ना, और कुछ हो जरूरी नहीं है, बस हो गया तो हो गया। अब बोलिए कि गले में कंठी तो पहुंच गए, बेकुंठी हो गया, उसको मानते हैं गुरुमुख। गुरुमुख है, गुरु के मुख से जो ज्ञान निकला उसको जब आप ग्रहण किए तो गुरुमुख का ध्यान किए तो यही है गुरुमुख। गुरु का मुख है पूरब, आप घूम गए पश्चिम तो गुरुमुख हो गए। गुरु का मुख मतलब गुरु के रुख के तरफ मुख करना गुरुमुख। गुरु का रुख मतलब गुरु का विचार, गुरु का उपदेश, गुरु का आदेश, गुरु का संदेश है ना गुरुमुख। और कुछ है? कंठी बांध ली हो गया, माला खटखट सीताराम। कंठी भी बांधना जरूरी है, क्योंकि कंठी जो है ना वो छका है, छेक दिए हैं, कब गड़बड़ नहीं होगा, मोहर लगा दिए। से गांव गए भैंस को माल मवेशी को भी आधार कार्ड का कन पट्टी में लगाते ना पट्टी, वो भी जरूरी है, वैष्णव का पहचान है। अब चोर है, बदमाश है, पुलिस है, यदि वर्दी नहीं रहे तो कौन चोर है, किसको पिटाई लगेगा पता है? यूनिफॉर्म जरूरी है। तो हम बोले था फिर क्या बात है जो कबीर पंथी है तो दिक्कत क्या है? बोला बाबा दिक्कत ये है कि हमारा जो घर वाली है ना, हम तो वैष्णव हैं बचपने से, लेकिन वो सब कुछ खाती है, एकदम सर्वभक्षी है, कुछो नहीं छोड़ती है, चिड़िया चुनमुन पक्षी सबका सर्वभक्षी है, एकदम अंडा गंडा हड्डी पसली नंगड़ी पुछड़ी सब फ्राई कर देती है, खा जाती है। लेकिन हम कबीरपंथी हैं। मैं बोला तो बढ़िया ना जी, तुम कबीरपंथी और तुम्हारी घर वाली जयपंथी। जयपंथी वो बेटी है, जयपंथी गाड़ी पर है। तो कहने का मतलब यह है कि यही है गुरुमुख। गुरु से जो मिलता है ज्ञान वही है प्रॉपर नंबर, मतलब सही नंबर परमात्मा को लगाने का। तो सही नंबर यदि हो गया तो यही मंत्र को जब मन रूपी मोबाइल में मंत्र रूपी नंबर को डायल करते हैं उसमें टावर सही हो, टावर मतलब होता है जगह, टावर यही है, इसके आसपास में रेंज में आइएगा। आ जब नाच नौटंगी में जला जाइएगा तो टावर पकड़ेगा और दूसरे चैनल पकड़ लेगा, ये है टावर। अब बैटरी का रिचार्ज क्या है, रोज का रोज जो सत्संग सुनते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहना बैटरी चार्ज, आ सत्संग भजन करना मोबाइल रिचार्ज। चार्ज रिचार्ज समझते हैं ना, रिचार्ज मतलब उसमें पैसा होना चाहिए, चार्ज मतलब कि बैटरी में पावर होना चाहिए। तो संग में जाकर के पावर मिलता है, भजन कीर्तन करते हैं तो रिचार्ज होता है, यही पूंजी होता है। तो इस तरह से जो करता है मन के मोबाइल में नंबर, तो ये नंबर सीधा परमात्मा तक जाता है। पर अखिया लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा, रीझे बूझे साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। एक दिन उसकी सुनवाई होती है, आवाज तो जाती है। देखिए गुरु महाराज के एक प्रवचन में है कि 30 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का आवाज़ ये मनुष्य ने कम का आवाज़, और कुछ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का आवाज़ मनुष्य को सुनने की क्षमता नहीं है। इसलिए कान के बगल में यदि जोर की आवाज़ हो तो आदमी बहरा हो जाए, आँख के सामने यदि बहुत लाइट हो तो आदमी अंधा हो जाए, क्योंकि एक लिमिट है इसके। पर वो परमात्मा चीटी तक की आवाज को सुनते हैं, सबके सब भाषा उसी से निकला, किसी भी भाषा में बोले तो सब भाषा के भाव को समझने वाले, सृष्टि के कण कण में जो हर ध्वनि को जो उससे प्रकट हुआ तो हर चीज को वो सुनने वाले हैं। चीटी की आवाज जो सुनते तो हमारी क्यों नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं। पर शर्त यह है
कि उसको सही समय आता है तब उसका उत्तर मिलता है। मतलब ये है कि एक बार हुजूर के सामने, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के सामने एक आदमी ने कहा था कि हमारे जो गुरु जी हैं एक घंटा एक दिन में ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं, एक दिन में ब्रह्म का, दूसरा मार्गी था, एक दिन में ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं। आप लोग तो सब दिन सब संतन की बड़ी बलियारी करते रहते, अब कब होगा नहीं होगा, कहते कई सौ जन्म लगता है, उदाहरण भी देते हैं भगवान बुद्ध का 550, उसमें भी कन्फर्म नहीं है, पर हमारा तो एक ही दिन में हो जाता है। हुजूर कहते देखो जी तुम एक दिन बोलते हो और मैं कहता हूँ कि एक मिनट में हम ब्रह्म का दर्शन कराते हैं श्री सतगुरु। ला वो कैसे? बोला तुमको एक मिनट में क्या आधा मिनट में दर्शन हो जाएगा, पर जैसे कहता हूँ वैसे करना पड़ेगा, वैसे करना आसान है। दो नैन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। माइनस प्लस का तार है, दोनों को आप एक दूसरे से अंधेरे में मिला रहे हैं, खूब घुमा रहे, घुमाते घुमाते जब कभी वो दोनों सट जाएगा तो बोल भर जाएगा, पर वही सट जाए वही प्रक्रिया करने में बरसों लग जाता है, जन्म लग जाता है। कहते तुम सटा दो, यदि आधा सेकंड में, आधा के आधा मैक्रो सेकंड में सटा दो, उसी समय ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। तो शर्त यही है कि सही से करो तो एक सेकंड में हो जाएगा, और नहीं सही करने के लिए ही बहुत समय लगता है। इसी तरह से हम जो पुकार लगाते हैं तो पुकार सही से हो जाए तो हजार पुकार के जगह पे एक पुकार में वो दरबार में वो शब्द पहुंचता है, पर एक पुकार सही लगे उस सही पुकार के लिए हम हजार बार जो करते हैं पुकार वो प्रयास होता है। एक पत्थर एक हथौड़ा में फूटता है, पर 100 हथौड़ा लगा दिए तब जाके फूटा, तो 99 हथौड़ा क्या बेकार था? हर हथौड़ा उस पत्थर को कमजोर किया और फिर एक हथौड़ी में फूट गया। इसी तरह हर पुकार हमको उस परमात्मा के नज़दीक, उस गुरु के नज़दीक ले जाता है और हमारे मन को सिमटाव की ओर ले जाता है, पर एक अंतिम पुकार जो होती है जिसमें पूर्ण सिमटाव पूर्ण एकाग्रता पूर्वक जब वो पुकार होती है तो द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। तो इस तरह से वो शब्द होता है और इस तरह से गुरु शंख चक्र पद में क्या है, ज्ञान वैराग भक्ति सब कुछ हमारे जीवन में आ जाता है। तो इस तरह की पुकार लगाने के लिए देखिए, ग्राह जो था ना और वो हाथी, इसका सुंदर कथा है भागवत में, कहते मन ही हाथी है, हमारा मन है ना ये मतंग हाथी के समान है, विषय ही बाजार है, त्रिकूट पहाड़ पर्वत यहाँ है, देवघर जाते हैं रास्ते में त्रिकूट पहाड़ है, वहीं की कथा है। तो ये ग्राह त्रिकुट पहाड़ पर ये हाथी रहता था, हमारा मन ही हाथी और संसार ही वो सरोवर है और हम उसी में विषय जल पान करने के लिए संसार में जल क्रीड़ा में लग गए। और वो जो ग्राह है वो है काल, काल ने पकड़ लिया हाथी का, क्या पकड़ा था? पैर ना। हमारा क्या पकड़ा है? हमारा भी पैर पकड़ा है, क्योंकि देखिए पहले जब बीमारी होती तो घुटना में ही दर्द होता है, तो काल ने पकड़ा। तो हाथी का परिवार था वहाँ पे, तो परिवार ने बचाने का प्रयास किया, बाद में कोई कब तक करेगा, सुख के सब साथी दुख में न कोई, प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख में सब जग बांधियो कोई काहो को नाही, सुख में आने बहुत मिली बैठत रहत चौधरी सिघेरे, अब विपत्ति परे सब ही संक्षारत को न आवत नेरे। परीक्षा तो वहाँ होती है जब विपत्ति के घेरे में पड़े रहते, तब देखिए अपने रिश्ते नाते के लोग, जब तक आपके जेब में पैसे हैं लोग कहते हैं कैसे हैं, अब पैसे खत्म तो जैसे कि तैसे हैं, कोई मतलब नहीं। तो ग्राह हाथी को लगा कि मैं आज दलदल में फंस गया, ये लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं। कहते भाई तुम लोगों को जीवन भर मैंने कमा कमा के खिलाया पिलाया सारी व्यवस्था दी, पर आज जब मैं यहाँ ग्राह के चंगुल में पड़ गया तो तुम लोग हमको छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो परिवार ने कहा कि क्या तुमको, तुम्हारे पीछे क्या हम सब परिवार भूखे प्यासे मर जाएं क्या?
हमने तो क्या कोशिश नहीं हुआ, तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सब परिवार छोड़ के उसको चला गया। अब भूख प्यास से तड़प रहा, पर वो जल का जीव था, वो ग्राह, और उसकी शक्ति तो घटी नहीं है, पर हाथी की शक्ति घटने लगी। अब हाथी को घर परिवार संसार से भी मोह हुआ, जीवन से भी मोह टूट गया, अब तो मर ही जाएंगे। चारों तरफ से जब मोह टूटा, चारों तरफ से मन जब फटा, मन जब हटा, तो मन कहाँ जाएगा? कबीरा, मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। ये मन एक चाबी है, जैसे चाबी ताला में लगाइए, बाएं तरफ घुमा दीजिए तो ताला लॉक हो जाता है, और वही चाबी को दाएं तरफ घुमा दीजिए तो ताला अनलॉक खुल जाता है। इसी तरह मन जब संसार में रहता है, तो हम संसार के बंधन में बंध जाते हैं, मोह के बंधन फांस में फंस जाते हैं। और यही मन जब परमार्थ में, यानी संसार के उल्टा परमात्मा में लग जाता है, अर्थात माया में से हटकर मायापति में लग जाता है यही मन, तो यही मन संसार के बंधन से हमको मुक्त कर देता है। श्री सतगुरु, यही हुआ उस हाथी को। संसार में मन लगा था तो वो फंसा था ग्रह में, परिवार में, काल में। और जैसे मन इधर से हट गया, मोह टूट गया, ममता छूट गया, और मन को चारों तरफ से विश्वास हो गया कि हमारा कोई नहीं है, उसी समय वो मन को प्रभु में लगा दिया। एक ही पुकार लगाई, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण गही पखारे पछारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण गही पछारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। आठ पहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, नाक कान डुबन लाग, नाक कान डुबन लाग, सिंधु को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद गरुर लई सिधारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, ऐसे पुकार लगाए, और ये पुकार नहीं सच्चा पुकार था, और सच्चे दरबार तक ये पहुंचा, और सांचे दरबार से सच्ची सुनवाई हुई, और ग्राह का सच्चा कल्याण करने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए। देखा कि ग्राह डूब रहा है, हाथी ग्राह के चक्कर में, तो भगवान प्रकट हुए। हाथी ने दर्शन किया, सोचा अब तो डूब ही रहे हैं, तो जाते जाते भगवान की सेवा कर लो, पर सामर्थ्य तो है नहीं, तो अपना कोशिश किया। इन्होंने सूर से एक पुष्प कमल का तोड़ करके कमला कांत यानी भगवान के चरणों में, चरण कमल में वो कमल चढ़ा दिया। भगवान ने देखा कि ये पुष्प तो चढ़ा रहा है, पर बेचारा ये तो डूबता जा रहा है, पर सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा रहा है। तो उसी समय सुदर्शन को भेजा, और सुदर्शन ने हाथी को बचा करके ग्राह का उद्धार किए श्री सतगुरु। और इस तरह से भगवान ने एक भुजा का सहारा देकर के हाथी को बाहर कर लिया। तो इस तरह से होता है पुकार,
और इसी पुकार के लिए जब अभ्यास करते हैं तो क्रम क्रम से अभ्यास एक दिन पूरी होती है, पुकार एक ही काफी होता है। कथा में आती है सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, ये जो हाथी था ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नामक राजा था, जो बड़ा तपस्वी था, तप करता था और धर्मात्मा भी था, राजर्षि था। पर एक दिन की बात है, इसकी मति में भ्रम हो गई, तप पर बैठा था और संत लोग आए तो ये बैठा ही रह गया। तो बैठा रह गया तो संत ने आशीर्वाद श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, क्योंकि भक्ति तो भक्त तो वही होते जो नम्र होते हैं, सरल होते हैं, और नम्रता सरलता दीनता में ही ज्ञान आते हैं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, अचीटी शक्कर ले चले हाथी के पग दूर। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ले। गुरु शरण में होने के लिए तो दीन होना पड़ता है। या तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारी भूई धरे तब पैसे घर माए। शीश उतारे मतलब अहंकार को उतार के रखिए, खाला मतलब होता मौसी, ये मौसी का घर नहीं कि जूता चप्पल लेके घुस जाओ, ये प्रेम की नगरी अति साकरी, यहाँ तो अहंकार का त्याग करके प्रवेश होता है। तो वो जो था इंद्रद्युम्न राजा, इसको अहंकार था, और अहंकार रोग है तो रोग को भगाने के लिए इलाज तो होना चाहिए। अहंकार अति दुखद डमर हुआ, दम्भ कपट मद मान नहरवा, गुरु अहंकार से सब कुछ बिन से। तो कहते अहंकार तो सब कुछ का नाश, तो इसी अहंकार रूपी रोग डमर हुआ यानी गठिया रोग है। अहंकार एक गठिया का रोग कहा गया। गठिया रोग का पहचान क्या है? शरीर में जकड़न आ जाती, अकड़ आ जाता, झुकने नहीं देता। यहाँ जो सत्संग भजन में नहीं आता उसको गठिया रोग ही समझिए। अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। कल भंडारा हुआ था, ये मुकेश बाबू के जो पिताजी थे, अभी बैठे हैं आप ही ना, हाँ जी, तो कराए थे तो न्योता उता तो कहीं दिए होंगे, तो न्योता दिए तो वहाँ क्या मिला? पूरी बुनिया जो भी मिला ना, सत्संग का तो ऑटोमेटिक नेता रहता, सत्संग हुआ तो गुरु महाराज के नाम पर चले गए और महाप्रसाद पा लिए, ठीक है। तो नेता दिया, नोता दिया तो क्या मिला? पूरी बुनिया हलवा जो भी था माल पानी को खाए। आ जमदूत जम जब नोता देता है तो क्या मिलता है? नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, जब पकड़ जमदूत मारेगा। तो वहाँ नेता मिलता है तो लाठी पुलठी मिलता है खाने को, हलवा पूरी नहीं मिलता। तो तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान, मेहमानी में जाओ और फिर वहाँ क्या खाना मिलेगा वो तो समझ में ही आ रही। तो जिसको अहंकार है वो इस दरबार में आ नहीं सकता है। तो वही अहंकार उस भक्त को हुआ तो उसका इलाज होना चाहिए। तो नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, हाथी हो जाओ। वही हाथी हो गया था तो उन्होंने गिड़गिड़ाया, सरकार हम तो अज्ञानी जीव है, आप तो संत हैं, आपने तो हाथी बना दिया मनुष्य से, मेरा मुझे क्षमा करो, मेरा कल्याण करो, आशीर्वाद दो। कहा देखो संत किसी को श्राप नहीं देता, हम तो तुम्हारे सुधारने के लिए कुछ दंड दिया है, पर यदि तुम गिड़गिड़ा रहे हो तो लो तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। और एक जो वो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था, एक एक गंधर्व होता है जो दूसरों को हंसाने खिलाने का काम करता है, उसका नाम है हा ही हुहु, तो हुहु गंधर्व स्वर्गलोक में हंसी मस्खरी करने वाला काम था उसका। आ जो हंसाने खिलाने वाला चटनी चुटकुला करने वाला होता है मजकियल तो कुछ कुछ करते रहता है। अब एक दिन क्या किया तो एक देवल ऋषि थे, वो सूर्य भगवान की उपासना जल देकर के नदी में खड़ा होकर कर रहे थे। आई हु गंधर्व गया पानी में डुबकी लगा के वो महाराज जी का पैर पकड़ लिया। अब अचानक आप ध्यान कर रहे हैं, आपको कुछ कर दे तो चौकन्ना होंगे कि नहीं, सब ध्यान भंग होगा, कोई काने में कटकी दे दे तो चमक होगी कि नहीं। ये एक आदमी था बैठा हुआ, कोई बाबा महाराज माला फेर रहा था, उधर से को बचवा बड़ा खुरलुची था, वो जो रबड़ का सांप होता ना वो फेंक दिया उसका। अब जो बाबा महाराज छिरपिटा के भागा, दम उड़ गया, फिर घूम के नहीं आया भंडारा खाने। एक एक आदमी होता ध्यान भंग हुआ। तो देवल ऋषि का जो पैर पकड़ा वो गंधर्व, डर गया है,
शील छटपटा के बाहर निकला तो तब तक में वो ऋषि कहते महाराज जी कहो कैसा लगा। अब तो महात्मा को गुस्सा, मूर्ख कहीं के मैं साधन भजन कर रहा था, तुमको मजाक सूझ रहा है, लो तुमने हमारा पैर पकड़ा, इसलिए जाओ तुम ग्राह हो जाओ, दूसरे का पैर पकड़ते रहना। वही ग्राह बन गया, गंधर्व का कैसा सुंदर रूप, कैसे लोक में रहते हैं, ग्राह बन के जल में रहने लगा मगरमच्छ। उन्होंने भी गिड़गिड़ाया, सरकार माफ कर दो, गलती हो गई। देखिए प्राश्चित करने से पाप घटता है और छटता भी है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि गलत भी करते हैं, गलत को सही भी साबित करने में लगे रहते हैं, यही मूर्खता है, इसीलिए गलत में ही बढ़ते चले जाते हैं। दारू शराब पीते हैं, उनको बोलिए छोड़ दो, छोड़ेगा? एक आदमी पी रहा था दारू, तो मैं गया और दारू को फर्श पे गिरा के माचिस लगा दिया, माचिस जल गई, आग जल लग गई। मैं बोला देखो ये दारू पीने से कितना ज्वलनशील है, जब पेट में जाएगा लीवर किडनी को बैठा देगा। वो बोला कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, तब कदे आपको पता नहीं है ये फायदा वाला चीज़ है, ये जब पेट में जाएगा तो सब कीड़ा मकोड़ा साफ कर देगा। उसको क्या कहिएगा, गलत है, उसको सही साबित कर दिया। एक आदमी को बोला गया कि खैनी क्यों खाते हो? अरे खैनी, खैनी के बाड़ी में यदि सांप चला जाए तो मर जाता है, और कहिए कितना विष है उसमें। खैनी के बाड़ी में, खैनी का जहाँ खेती होता है वहाँ गधा जाता है, गधा घास खाता है, लेकिन वहाँ वो खैनी नहीं खाता है। तो उनको बोला गया कि देखो खैनी तो गधा भी नहीं खाता है, गधो नहीं खाता है, वो आप खाते हैं। तो क्या बोला कि जाइए जाइए, जो गधा होता है वही खैनी नहीं खाता है, बाकी सब खाता है। बात को कैसे उल्टा करके वो उल्टे छक्का मार दिया, रिवर्स स्वीप। तो गलत करे, गलत को सही साबित करे तो उसका कल्याण हो सकता नहीं है। पर इन्होंने गलत करके गिड़गिड़ाया, क्षमा याचना मांगी, तो देवल ऋषि कहते भैया कोई बात नहीं, तुम पैर जरूर पकड़ोगे ग्राह बनकर, पर जिस दिन संत महात्मा, संत का साधक का चरण पकड़ लोगे उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और इधर इंद्रद्युम्न नामक हाथी जो राजा था वो हाथी बना, और तो भक्त था ही, तो आज उस ग्राह ने इसी हाथी हुहु नामक गंधर्व जो ग्राह बना, इस जन्म में ग्राह बन के आज इसी हाथी भक्त का पैर पकड़ा, इसलिए भगवान प्रकट होकर के उस ग्राह का भी उद्धार कर दिए। श्री सतगुरु, तो देखिए भगवान के शरण में जो जाते हैं तो भक्त का उद्धार, तो भक्त का जो चरण पकड़ते हैं तो भगवान पहले उसका उद्धार करते हैं, भक्त का बाद में करते हैं। तो हाथी भक्त था और उसका चरण किसने पकड़ा, उस ग्राह ने, तो भगवान ने पहले उद्धार ग्राह का किया, बाद में हाथी का किया। तो भक्त, भगत हेतु भगवान प्रभु, भक्त के कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दशा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तो संत की महिमा ईश्वर की महिमा से ज़्यादा है, जो संत के चरण में आते हैं तो ईश्वर की कृपा से उसका उद्धार पहले होता है। तो यदि भगवान के चरण में चले गए तो भगवान घुमा फिरा करके फिर से उद्धार करवाने के लिए उस जीव को संतों के शरण में ही भेजते हैं। तो देखिए ये तो सत्संग कल भी हुआ था और अभी भी आप लोगों के हिसाब से बहुत देर से हो रही है, तो यही कहने का है कि जीवन में संत महापुरुष कहते समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। तो जो बीती बात को विसार के और समय निकाल करके अपना जो साधना में लगे रहते हैं उसका लोक परलोक बनता है, गुरु की कृपा से उसका जीवन आनंदमय, कल्याणमय, सुखमय हो जाता है।